नागरी स्वच्छता अभियान व हीरक महोत्सव महाराष्ट्र वर्ष इस अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार 1 मार्च से 30 अप्रैल इस कालावधि में नागरी स्वच्छता अभियान कार्य करने का शासन निर्णय प्राप्त हुआ है। उसी के अनुसार हिंगनघाट नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्लास्टिक बंदी विरोध में 6 मार्च की सुबह 10 बजे से शहर में अस्ताप व शहर की छोटी बड़ी दुकानों की जाँच की गई। तब स्थानिक विठोबा चौक स्थित संताराम कलेक्शन हिंगनघाट इनके और बड़े प्रमाण में स्टॉक किया गया अंदाजे 20 किलो प्लास्टिक जब्त कर 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया। उसी तरह विठोबा चौक स्थित अशोक गुजर इनकी दुकान में करीबन 5 किलो प्लास्टिक जब्त कर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। आठौड़ी बाजार स्थित जितेंद्र शंभरकर इनके दुकान से कुल मिलाकर 5 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया और इनकी 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसी तरह शहर के छोटे बड़े आस्थापनों की नगर प्लास्टिक बंदी पथक ने जांच की। प्लास्टिक साधन इस्तेमाल न करे सूचना की गई है। यह सदर कार्रवाई नगर परिषद के मुख्याधिकारी व कर्मचारी इनके द्वारा की गई। इसमें प्रमुखता से चंद्रकांत पाटिल, विशाल ब्राह्मणकर, मिलिंद पिंपल खुटे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत घुसे व मुख्याधिकारी अनिल जगताप, इन्होंने शहर के नागरिकों को और व्यापारी वर्ग को प्लास्टिक का यूज ना करें ऐसा आह्वान किया है। शहर के आस्थापन नियमित प्लास्टिक बंदी पथक द्वारा जांच किए जाएगा ऐसा बताया गया है और जनता ने नगर परिषद के प्लास्टिक बंदी मुहिम का सहकार्य किया है।